नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरे हुए व्यक्ति की तीन चीजें कभी नहीं करनी चाहिए इस्तेमाल, लग सकता है प्रीत दोष। जानिए क्या कहता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की तीन चीजें कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए, अन्यथा प्रीत दोष लग सकता है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। मृत्यु के बाद इसके श्रवण प्रावधान या गरुड़ पुराण का वाचन किसी ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में 271 अध्याय और 18,000 श्लोक मिलते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में मरने के बाद मनुष्य की गति क्या होगी और उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होगा, इन सब बातों की जानकारी दी गई है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि मरे हुए व्यक्ति की कभी भी तीन चीजें को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रीत दोष लग सकता है। आइए जानते हैं तीन मुख्य चीजें। मरे हुए व्यक्ति के कपड़े का कभी नहीं करें प्रयोग। गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के कभी भी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं, जिस कारण वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े भूलकर भी नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। दोस्तों, दूसरा, गहनों का भी नहीं करें प्रयोग। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति के कभी भी गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गहने भी उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। साथ ही मृत व्यक्ति का कपड़ों से ज्यादा अपने गहनों में लगाव होता है। वही जब मृत व्यक्ति के गहने जब कोई दूसरा पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगती है, साथ ही इस मृत्यु लोक में परेशान करने लग जाती है। साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में ना जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का गलाकर उसका कुछ और आइटम बनवाना चाहिए, अन्यथा मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरा दोस्तों, घड़ी का भी नहीं करना चाहिए प्रयोग। मृत व्यक्ति की कभी भी घड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि घड़ी भी ऊर्जा के मुख्य स्रोत होती है। वही घड़ी व्यक्ति के साथ हमेशा साथ रहती है। साथ ही मृत व्यक्ति की घड़ी भी नहीं प्रयोग करनी चाहिए। घड़ी को आप दान कर सकते हैं वरना प्रीत दोष लग सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। तो दोस्तों, जय हिंद।